So in the last class, we have seen the plane mirror and we have done some problems based on the motion of the object and the image. And we have done the problems based on field of view also. चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको फील्ड ऑफ व्यू पे, उसको करो फिर आगे बढ़ेंगे. एक क्वेश्चन बस, 5 मिनट और इसको 10 मिनट करेंगे प्लेन मिरर, देन वी विल मूव टू स्फेरिकल मिरर. एक क्वेश्चन और फील्ड ऑफ व्यू पे कर लीजिए, फिर नंबर ऑफ इमेज के रूल्स लिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा नहीं, है ना, समझाऊंगा बाद में, उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल आपको. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अ प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर है ना, इट्स प्रेजेंट near a wall in a situation as shown in figure, in situation as shown in figure. A plane mirror of length 8 centimeter is present near a wall in situation as shown in figure. Then the size of spot formed on the wall is, है ना, then the size of spot of light formed on the wall edge, wall पे जो light का spot बनेगा, है ना, wall after reflection by through mirror edge, ये भी लिख लो, after ना भी लिखे तो दिमाग में रखना ये बात, reflection through mirror edge, है ना. I'm showing you the situation बेटा, ये रहा ये वॉल है, देखो वॉल है ये, दिस इज द वॉल, ओके, ऐसे रहा वॉल, तो ये वॉल है, ओके, वॉल पे एक लाइट का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द वॉल, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हियर इज द मिरर. This is mirror parallel to the wall. Mirror का जो reflecting surface है वो wall. Wall ऐसे है, देखो wall कैसे? This is the wall, है ना? इस wall पे आपका एक source of light है, जैसे मान लो bulb रहता है wall पे, वैसे ही समझ लो. और ये mirror है. This is the mirror बेटा, and the length of the mirror is 8 centimeter. चलिए करिए इस question को. 8 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ मिरर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कम ऑन डू दिस. ऑप्शन अगर चाहिए तो मैं दे देता हूं, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड डी 32 सेंटीमीटर. कम ऑन, आप चाहे तो ये डिस्टेंस चाहे तो ले सकते हैं, मैं दे देता हूं,
This distance is 16 centimeter. Come on. Sochiye. Okay. इस क्वेश्चन को सोचिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सोचो बेटा. अब करो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में. आ गया बेटा, कम ऑन. सर 2 मिनट करो करो. सर इक्वेशन से बनेगा ना? क्वेश्चन क्या बेटा? इक्वेशन से बनेगा. नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, ज्योमेट्री से बनेगा. सर पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, उसका एक बेस तो आ गया. सोच लो, पैरेललोग्राम बनेगा, सोच समझ के करो. मतलब सॉरी ट्रेपीजियम, सॉरी ट्रेपीजियम बनेगा ना, पैरेलल से ट्रेपीजियम बनेगा. हाँ बिल्कुल, इट वॉन्ट बी पैरेललोग्राम. उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा, उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा, उसके बाद सोचो. चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा डायग्राम बनाने में ना आपको दिखेगा, छोटा डायग्राम में ना दिखेगा नहीं. सर हो गया 16, इसलिए मैं. हाँ 16 आएगा, बिल्कुल आएगा 16, है ना. इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, किस लिए किया बड़ा? सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट. हाँ, बोलो बोलो सर. एंड पॉइंट डिवाइडेड के दोनों एंड पॉइंट से जॉइन करके हम लोग बनाएंगे फिगर्स का आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल बेटा, है ना. देखो बेटे, सो इन दिस वे यू कैन सी हियर. लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम. रिफ्लेक्शन करते हैं, एक लाइट यहां जाएगा, इधर से जो जाएगा वो तो निकल जाएगा, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? जो यहां आएगा, है ना, जो इस पे पड़ेगा,
यहां से एक रिफ्लेक्शन होगा मेरे बेटे लाइक दिस, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां आ जाएगा ये लाइट यहां से गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो एक तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, हर जगह से रिफ्लेक्ट होगा, मैक्सिमम कहां से होगा, यहां से होगा। तो सेकंड पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन होगी उसको भी बना लेते हैं। आइए देखिए, तो इस पॉइंट से होने वाले रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो यूं आ जाएगा लाइट, है ना, और ये आपका नॉर्मल हो गया, दिस इज द नॉर्मल। अब ये इधर भागेगा ऐसे, है ना, इस तरह से यूं भागेगा लाइट, तो यहां तक बनेगा। तो जो स्पॉट ऑफ लाइट होगा आपका, जो स्पॉट ऑफ लाइट होगा वो यहां से ले करके यहां तक होगा, सो दिस विल बी योर स्पॉट ऑफ लाइट। सो यू हैव टू फाइंड द साइज ऑफ दिस स्पॉट ऑफ लाइट। ओके, एक सेकेंड बेटा वेट करना। हाँ, तो इस स्पॉट ऑफ लाइट का आपको साइज निकालना है। अब जरा तुम इसका सोचो, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट को बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सटेंड कर, पीछे के डायरेक्शन में डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, वहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे फॉर्म, डॉटेड लाइन से, हाँ, वर्चुअल एनालिटिक, बिल्कुल बेटा ऐसे बनेगा। तो यहां पर आप देखेंगे दिस विल बी द इमेज, बिल्कुल इसके नीचे बनेगा, है ना, ये चीज है। अब ये बताओ, आपको ये बात तो मालूम है ना, थोड़ा सा इसको आपको ये बात तो मालूम है कि ये जितना दूरी होता है उतना ही यहां से मिरर से जो दूरी होगी, डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, ये तो मालूम है प्लेन मिरर में। यस सर, बोलो। तो प्लेन मिरर में अगर मैं इसको ज्वाइन करूं सर इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं। इसका मतलब कि जो लेंथ हो जाएगा, आप देखो, है ना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा। तो आप देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर हो जाएगा, फिर ये भी लाइन पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी और इसको मान लो डी और ये मान लो ई, ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगे, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ओके, ये सारे लेंथ इक्वल हो जाएंगे। अब अगर आप देखें तो ध्यान से देखना आप, सिंस ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई या आई डी ई कह लो, आई कह लो, सी बोलने की जरूरत नहीं है, आई डी ई एंड ट्राइंगल आई ए बी सिमिलर है, ट्राइंगल आई ए बी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब सीधी सी बात है, अगर ये एक्स है तो पूरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, और अगर ये वाई है यहां से यहां तक, तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा जो होगा ये टू वाई हो जाएगा। अब आपको अगर ये जेड है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है, यानी कि AB का जो साइड होगा that will be 2 times BE, यानी कि मिरर के लेंथ का, that is 2 into 8 centimeter, that is 16 centimeter. So you can see geometry is very useful in solving the problems of optics. Okay, so you can see object distance and image distance are
सोर्स जो है यही ऑब्जेक्ट है, इसका जो सोर्स का इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो कोई भी आप देखेंगे है ना, इस तरह से ये वाला ट्राइंगल ले लो, तो इस ट्राइंगल में आपका ये दोनों बराबर हुआ, तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है पैरेलल लाइन, बेस के पैरेलल लाइन, तो उसी तरह इसमें सोच लो, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो है ना, दिस इज टू दिस विल बी सिमिलैरिटी से लिखेगा सर, तो सिमिलैरिटी से आप कर सकते हैं, गॉट इट, कर लीजिए बेटा इसको। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, तो फील्ड ऑफ व्यू में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिमिलैरिटी से ही सॉल्व होंगे, है ना, सो जो इसका फील्ड ऑफ व्यू था, इस सोर्स के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या था, ये सोर्स कहाँ दिखेगा, इस रीजन में कोई रहेगा तो दिखेगा, यहाँ पे आंखें होंगी तो नहीं दिखेगा, यहां से यहां तक नहीं दिखेगा उसका लाइट, रिफ्लेक्स होने के बाद, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, चलो तो लाइट जहां तक जाएगा यहां से रिफ्लेक्शन होके वही आपका स्पॉट होगा लाइट का। चलो एक क्वेश्चन और करो, तो इसके एक क्वेश्चन और देता हूं, हो गया ये कंप्लीट, हो गया बेटा, यस सर, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बस लास्ट क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यू के, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड ऑफ लाइट, a point source of light is placed as shown in the figure, figure what is the length on the screen
दैट विल रिसीव द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर. देखो दैट विल रिसीव द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर. आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम. देखो बेटा ऐसे रहा, ये मिरर है, मिरर का साइज है 2H और मिरर से कुछ दूरी पर यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है. दिस इज सोर्स. अभी जो सोर्स है इसका हाइट है h, है ना, मिरर के ऊपर h हाइट है, मिरर आपका 2h है. लाइक दिस. और यहां से मिरर से थ्री एच डिस्टेंस पे देखिएगा, मिरर से थ्री एच डिस्टेंस पे आपका स्क्रीन रखा हुआ है. दिस इज अ स्क्रीन या वॉल जो भी कह लो. दिस इज योर स्क्रीन जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट आना है ना. तो आपको बताना है कि जो यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से मिरर पे लाइट जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के स्क्रीन पे जाएगा. तो स्क्रीन पे जो स्पॉट बनेगा उसका साइज क्या होगा, है ना, जो स्क्रीन इल्यूमिनेट होगा उसका साइज क्या होगा, है ना. द पोर्शन ऑफ द स्क्रीन दैट विल रिसीव द लाइट फ्रॉम द, है ना, सोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन वाया मिरर. डायरेक्ट तो सब जगह पहुंचेगा, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर. कम ऑन डू इट, करो बेटा इसको. देखो बच्चों ज्योमेट्री है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से सोचिए, बन जाएगा आपसे.
आ गया बेटा। बनाइए डायग्राम, बनाइए और सोचिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। रिफ्लेक्शन लगाओ, फिर सोचो, ट्रायंगल देखो, देखने की कोशिश करो, ज्योमेट्री। ओके, बन रहा है या मैं बताऊं? रे डायग्राम बना ली, डायग्राम बना लिया ना बेटा? यस सर। रिफ्लेक्शन करो, हाँ रिफ्लेक्शन करो, इमेज बनाओ, फील्ड ऑफ व्यू बनाओ उसपे, है ना? चलो तो डायग्राम मैं भी बना देता हूँ, बाकी आप सोचिएगा। सॉरी, आई विल वेट, नो इशू। इमेज कहाँ बनेगा? इमेज यहाँ बनेगा, जितना ये दूरी है। क्वेश्चन में रब कर देता हूं, है ना? बिकॉज आई विल ड्रॉ अ डायग्राम, सम रब इन दिस क्वेश्चन। इस तरह से यहां पर देखो, इतना बड़ा आ गया। जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाए, तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। Like this. यहाँ पर हो गया, अरे ऐसे भागेगा, ये इंसिडेंट लाइट हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट ये हो गया और ये हो गया। अब इसको पीछे ले जाएंगे तो ये मीट करेगा, पीछे ले जाने पर ये मीट करेगा, तो मीट करा देते हैं। देखो लाइक दिस, यहां पर मीट किया। एक काम करो, इसमें थोड़ा सा और काम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल देखने के लिए, वो मैं बता दूं, बस उसके बाद आप लोग करो। नीचे से ऐसे लाइन खींच दो, ये एक लाइन है ना, ये डॉटेड है, ऐसे नीचे से लाइन खींच दीजिए, पैरेलल पैरेलल टू मिरर। बस अब आपको देखो सिमिलर ट्रायंगल दिख जाएगा, देखने की कोशिश करो, कहीं से भी सिमिलर ट्रायंगल बनाना है और क्वेश्चन को सोचना है। करिए, देखिए बेटा, है ना? सोचो,
चलिए, सो दिस इज द इमेज ऑफ द सोर्स, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, हाँ सर मिल गया, दोनों मिल गया ना, ई मान लीजिए, एफ मान लीजिए। अब आप करिए, आंसर भी आ जाएगा, जैसे सिमिलर ट्रायंगल दिखेगा आंसर आ जाएगा, समझा? डेटा तो नहीं छूट रहा, वो भी मैं चेक कर लूं, क्वेश्चन में नहीं छूट तो नहीं रहा है। सर एक ट्रायंगल सी आई एफ आएगा और एक ट्रायंगल डी आई एफ आएगा ना, सी आई एफ, हाँ नहीं बेटा, सी आई एफ और डी आई एफ कैसे सिमिलर हो जाएगा, जरा सोचो, वो तो सिमिलर हो ही नहीं सकता। नो सर सिमिलर है, दो ट्रायंगल का बात की है सर, ट्रायंगल, हाँ देखो करो सोचो, सिमिलर तो सर इससे होगा सी आई एफ और इससे सी ए ई से, एक ट्रायंगल, हाँ एक ट्रायंगल उधर है सिमिलर, और डी आई एफ और डी बी ई से एक ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो, अब हो जाएगा आपका। करो अब आ जाएगा, गड़बड़ तो नहीं कर रहा क्वेश्चन में, एक चीज क्वेश्चन में मिसिंग है बेटा, है ना, वो मैं डेटा दे देता हूँ, चलो एक चीज की डेटा क्वेश्चन में मिसिंग है, उसके बिना नहीं। सर सोर्स से और मिरर का वॉल स्क्रीन का डिस्टेंस सर, हाँ वो मिसिंग है क्वेश्चन में, वही सर खोज रहा था, क्या कुछ तो मिसिंग लग ही रहा था उसमें,
गलत गलत डेटा दिया है तो वही मैं चेक कर रहा था, इसको ले लो अब आपका आंसर आ जाएगा, इसको भी मैं दे देता है ना, बुक में जो क्वेश्चन है वो गलत दिया है, इसको एच ले लो, ओके इसको एच ले लो, अब करो कंस्ट्रक्शन, आपको क्लियर है, अब आपका आंसर आएगा। चलो आई वाज सर्चिंग दैट, तो डेटा एक डेटा जो है वो मिसिंग है बुक में, अब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा, करो है ना, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा, ये वाला वाल है ना, ये वर्टिकल वाल हो गया, मिरर ऐसे है तो इसमें डिपेंड करेगा आंसर है ना, इस डिस्टेंस पे, क्योंकि अगर आप यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं तो सोचो यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां चला जाएगा, तो इनफिनाइट मतलब बन सकता है ना, इनफिनाइट लेंथ का बन सकता है स्पॉट, तो स्पॉट का लेंथ जो है वो डिपेंड करेगा पोजिशन ऑफ सोर्स पे फ्रॉम द मिरर, तो इस लेंथ को आप एच ले लीजिए, यू टेक दिस लेंथ ऑल्सो एच, नाउ यू डू इट, ओके चलिए। ये सारी चीजें भी जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन में अगर मिसिंग चीजें होती है तो आप एनालाइज करते हैं, उससे आपका दिमाग खुलता है कि कहां पर क्या चीज होना चाहिए, है ना, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन अगर सीख गए, ओके जज करना सीख गए क्वेश्चन को, तो एग्जाम में तो आराम से क्वेश्चंस बनते हैं। करो अब आंसर निकालो, नाउ इट इज कंप्लीट, डू इट क्विक, यहां पर भी एच ले लो, इसको इसको भी एच ले लो, ये कितना है 2H और ये कितना है 3H, अब करो, नाउ यू विल गेट द आंसर। हो गया बेटा, वन बाय थ्री आएगा सर, वन बाय थ्री कैसे आएगा, एच के टर्म में आएगा, 1/3 क्यों आएगा, जो भी आंसर आएगा एच के टर्म में आएगा, एच एच बाई टू एच बाई थ्री टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच जो आना होगा आएगा एच के टर्म में आएगा ना बेटा, करो आंसर क्या है सर इसका, आंसर आएगा 4H, देखो ध्यान दो, देखो बेटा ट्रायंगल, एक और नाम दे रहे, एक और नाम देना पड़ेगा है ना, क्या क्या लिखा है, ए बी सी डी ई, यहाँ पे देख लो कुछ F लिख लो इसको F, तब आपको क्या दिखेगा, ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई, हाँ बेटा F नीचे लिखे हुए हैं राइट साइड में,
अच्छा एफ लिखे हैं तो कुछ और लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, है ना? वो मैंने नीचे देखा नहीं, मैं यहीं तक देख रहा था, है ना? जी जी लिख दो। तो ट्राइंगल एस ए है ना, अच्छा क्या आएगा, रुक जाओ, हाँ ठीक है बोले जाएगा। ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए जी आई, ए सी ई लिया है ना, तो ए आई जी सिमिलर टू ट्राइंगल ए आई जी, देख लो है ना, ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए और ये अल्टरनेट एंगल हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर हो गया है। अब ये देखो, ये एच है यहाँ मिरर से नीचे, ये भी हाइट एच होगा, इमेज भी एच पे होगा, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज से प्लेन मिरर का, तो ये भी एच होगा और ये भी एच दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अपोजिट, इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे, दो दो कोई भी दो एंगल ले लो और इसके अपोजिट ले लो, इसके अपोजिट, तो ये बराबर होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको डबल बनाओ, तो आप लिखेंगे कि बाय ए सिमिलैरिटी सर, हाँ बाय सिमिलैरिटी ए से हो गया, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस पहचान लो, है ना। उसके बाद इसके अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जी आई, तो जी आई, अच्छा ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, जी आई है, इसके अपोजिट क्या हो गया, सी ई, सी ई बाई जी आई इक्वल टू, अब इसके अपोजिट देखो, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ए ई, ए ई, ए ई बाई, ए ई बाई ए जी, जी ए, हाँ जी ए आई ए जी, ये ले लो। तो सी क्या हो गया बेटा, सी तो निकालना है और जी आई क्या हो गया, जी आई हो गया एच, और ए ई, ए ई आपका कहाँ गया, ए से लेकर ई, फाइव एच डिवाइडेड बाई एच, एक कट जाएगा, तो कोई भी कट कर दो, सी विल बी इक्वल टू फाइव एच, यहाँ भी कट कर सकते थे, तो ये आ गया, यहां से यहाँ 5H है। अब देखो एक और ट्राइंगल यहाँ पर, इसको देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यस सर, वर्टिकली, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल है, यस सर, तो ट्राइंगल है ना, इवन कंग्रुएंट भी हो जाएगा, ये कंग्रुएंट भी हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 3H है, 3H और ये भी H प्लस 2H प्लस H, 3H, सिमिलर से भी कर सकते हो, सिमिलर से ही कर लो, क्योंकि हर केस में कंग्रुएंट नहीं होगा, अगर मान लो यही अगर 2H दे दो तो ये चेंज हो जाएगा, है ना वैल्यू, तो सिमिलर से ही जनरली करते हैं। तो ट्राइंगल क्या बन रहा है हमारे पास, बी डी ई, बी डी ई इज सिमिलर टू, है ना, बी डी ई इज सिमिलर टू बी आई जी, ट्राइंगल बी आई जी, देयरफॉर व्हाट यू विल गेट, यहां से आपको आ जाएगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका रेशियो देखो, है ना, दिस डी D अपॉन एच आई, नहीं जी आई, जी आई, जी आई, डी अपॉन जी आई इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, इसके अपोजिट वाला देखो, ये हो गया बी ई, बी ई बाय बी अपॉन बी जी, बी जी, बी जी, Yes, sir, H तो लेंथ है ना बेटा, ये डी बाई जी आई दैट इज H इक्वल टू 3H बाई 3H, सो कट गया,
and this implies b equal to h. Therefore, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा cd है cd will be equal to ce minus de, that is 4h. ओके समझे, 4h हो गया. अगर यही लेंथ अगर बदल देंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, है ना. आप अगर इस लेंथ को 2h कर दो तो आंसर उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, है ना. तब आपका ये वाला साइज बदल जाएगा, है ना बेटा. चलो तो देखो इस तरह से करते हैं इसको. इस लेंथ को h मेंशन कर दीजिएगा, दैट वाज मिसिंग इन द बुक, सो डू दिस करेक्शन. हो गया. बोलिए कौन बेटा, इज इट डन? या सर. चलिए ठीक है. अब एक है ना, नंबर ऑफ इमेज के बारे में लिख लो. ऑल्दो इस पे क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए. सिंपल क्वेश्चन आएंगे, है ना. कॉम्प्लिकेटेड जब बाद में मैं बताऊंगा तो उसको डिस्कस कर देंगे. देखो इस पे ये इंपॉर्टेंट है आपका फील्ड ऑफ व्यू का. नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड बाय इंक्लाइंड मिरर्स. टू इंक्लाइन मिरर्स दो मिरर अगर किसी एंगल पे है तो. जैसे मान लो मिरर के बीच में आपको एंगल, दो मिरर है उनके बीच में एंगल थीटा है. ऐसे एक मिरर ये हो गया, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं M1, और ये दूसरा मिरर हो गया आपको M2. सो दिस इज अनदर प्लेन मिरर M1 एंड M2. अब इनके बीच जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ध्यान दीजिएगा. सो वन इज M1 एंड अनदर मिरर है M2 मिरर, इनके बीच का एंगल थीटा है. तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, कुछ रूल्स आप जानिए यहाँ पर, है ना. पहले नंबर पे रूल्स को याद कर लीजिएगा. पहले नंबर पे इफ 360 डिग्री बाय थीटा इज इक्वल टू इवन नंबर, देन नंबर ऑफ इमेज विल बी
इन दिस केस नंबर ऑफ इमेज, अगर एग्जैक्टली इवन नंबर आता है, इमेज कहीं भी रखिए, यहाँ यहाँ कहीं भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिरर के बीच में होना चाहिए। अब मिरर के बाहर रख दोगे तो नहीं बनेगा इमेज, है ना। तो मिरर के बीच में कहीं भी इमेज आप ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज आपका हो जाएगा 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। जैसे मान लो अगर मिरर 90 डिग्री पे है, अगर मिरर 90 डिग्री पे है तो 360 बाई थीटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इज इवन नंबर। उस केस में नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 360 बाई थीटा 4 हो गया, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 इमेज हो जाएंगे, है ना। 60 डिग्री पे है तो 60 डिग्री पे अगर मिरर है तो ये हो जाएगा 6, उस केस में नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगे आपके 5। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर देखो, इफ ये मिरर के लेंथ में कुछ डिपेंड नहीं करता। लेंथ से क्या मतलब है बेटा? आप बड़े मिरर, मान लो कि आप बहुत बड़े मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका इमेज बड़ा हो जाएगा, बोलो। मिरर नंबर ऑफ इमेज ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचो, चलो एक मिरर ले लो, दो मिरर को छोड़ो, एक मिरर है बहुत बड़ा, 1 किलोमीटर लंबा मिरर है, उसमें आपके कितने इमेज बनेंगे? एक ही बनेंगे। और इतना छोटा सा मिरर, उसमें कितने इमेज बनेंगे? एक ही बनेंगे। हाँ, पूरा नहीं बन पाएगा, पूरा इमेज नहीं बन पाएगा, लेकिन इमेज अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक ही बनेंगे, है ना, एक पॉइंट का तो एक ही इमेज बनेगा ना, तो वो चीज है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज की हम बात कर रहे हैं, है ना, और उससे बड़ा हो मिरर, छोटा हो मिरर, उससे फर्क नहीं पड़ता है, है ना, उससे कोई फर्क नहीं। हाँ, इमेज कटने लगेगा वो अलग बात है, छोटा मिरर है तो इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज तो नहीं कटेगा, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं ना, हर एक पॉइंट का इमेज अलग अलग बनाएंगे ना बेटा, ओके, समझे, ओके, तो वो चीज है। तो वहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो मिरर चाहे आपका 1 सेंटीमीटर का ही या 2 सेंटीमीटर का, मिरर तो इनफिनिटली बड़ा ही हो गया ना, बोलो, कोई फर्क पड़ता है? एक पॉइंट के कॉम्पिटिशन में 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा है? इन्फिनिटी बड़ा है। और 1 किलोमीटर में कितना बड़ा है? इन्फिनाइटली बड़ा है, है ना। 1 सेंटीमीटर में कितने पॉइंट आते हैं? इनफाइनाइट। और 1 किलोमीटर में भी कितने आते हैं? इनफाइनाइट। अब किसका इनफाइनाइट ज्यादा बड़ा है? दोनों इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, है ना, इनफाइनाइट किसी का भी बड़ा या छोटा नहीं, समझे, वो चीज है। बोलो, मान लो सुजल आपके पास मुझसे 100 गुना ज्यादा पैसा है, अब मान लो आप यूनिवर्स में जो कुछ है वो सब कुछ खरीद सकते हैं, पूरे यूनिवर्स को खरीद सकते हैं, अब मैं भी पूरा यूनिवर्स खरीद सकता हूँ, है ना। आपके पास अगर मुझसे 100 गुना ज्यादा पैसा है तो भी उसका कोई यूज नहीं है, है ना, चलो, क्योंकि सब कुछ आप भी ले सकते हैं, सब कुछ मैं भी ले सकता हूँ, तो इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है ना, बोलिए, है ना। तो इसीलिए अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना, बड़े ऑब्जेक्ट में, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के तो मिरर बड़ा साइज होगा, तभी सभी पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, फील्ड ऑफ व्यू में पूरा सारे पॉइंट नहीं आ पाएंगे ना। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, है ना, आप ही को है, आप ही, आप पैसे दे देगा क्या, आप दो मिरर है रूम में और वो 60 डिग्री पे आप उसके बीच में खड़े हैं, तो आपके कितने इमेज बनेंगे? आप अपने आप को पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाते समझिए। अब ये नहीं कि एक इमेज, एक में कोई इमेज का हाथ कट गया तो किसी का नाक आधा आ रहा है, उससे फर्क नहीं, वो इमेज पूरा काउंट करेंगे, समझे, बोलिए। बस लाइक पहुंचनी चाहिए, हाँ लाइक पहुंचनी चाहिए, है ना। अब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ इमेज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, वो चीज है। चलो, तो इफ 360 बाई थीटा इक्वल टू ऑड नंबर, ऑड नंबर एंड, है ना, इस केस में तो इसमें दो रूल है, दोनों रूल को एक ही साथ लिख ले, एक ही साथ लिख लेते हैं। तो इस केस में पहले नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर
बिटवीन टू मिरर्स, बिटवीन टू मिरर्स। और इसी में दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा माइनस वन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। Between two mirrors. पहले यहां लिखो फिर एक और रूल लिखाते हैं, कमो इसको कर लो बेटा जल्दी से। अगर एंगल बाइसेक्टर पे है उस केस में, जैसे मान लो मैं 72 डिग्री पे रख दो, सपोज कर लो 72 डिग्री पे रख दो दो मिरर को, तो 72 डिग्री पे हो जा रही है, मान लो 36 डिग्री हो जाए इस तरीके से, ये है 36 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाय 72 डिग्री ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हाँ, अगर ये ये 360 डिग्री 36 डिग्री पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर आपका 36 डिग्री पे रखा हुआ है ना, कहीं भी रहेगा, इसका इमेज कैसा बनेगा, इसके कितने इमेज बनेंगे, इसके बनेंगे 5, तो इस केस में बनेगा 5 है ना, ओवन का बनेगा 5 इमेज ऑफ ओवन। अब ओ टू मान लो यहां रखा हुआ है ओ टू का बनेगा 4 इमेज ऑफ ओ टू है ना, इसको ज्योमेट्री के थ्रू भी समझ सकते हैं, बट वो बाद में कभी देखेंगे है ना, वो अभी आपका पूरा एक दो क्लास खा जाएगा है ना, सो दैट इज नॉट डिजायरेबल हियर। चलिए अब देखो, अगर ऑड या इवन नहीं है तो, ना ऑड है ना इवन है, तो उसके उसमें क्या करेंगे, थर्ड रूल जानेंगे, विल नो द थर्ड रूल, बहुत ही आसान है। If rule number 3, if 360 degree by theta is not an integer, then of image will be equal to greatest integer of 360 डिग्री बाई थीटा है ना, ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जांपल देख लो, अगर मान लो थीटा ले लू मैं 70 डिग्री, तो उस केस में 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 70 डिग्री क्या हो जाएगा है ना, कितना आ जाएगा ये 36 by 7, so this will be 5.1 or something 1 हो गया, एक डेसिमल भी आगे बढ़ समझ में आ गया है ना, और फिर बच जाएगा 3, तो लगता है 1.4 के आसपास आएगा, फिर चलता रहेगा। इस केस में therefore number of image will be greatest integer function of 36 by 7, that will be 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर विच इज है ना द वैल्यू ऑफ एक्स,
The value of integer that is less than or equal to x. The greatest integer that is less than or equal to x. The greatest integer कौन है? 5, जो कि इससे छोटा हो, 5 हो जाएगा आपका आंसर. ये तीन रूल आप याद रखेंगे, बस इसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं दो इंक्लाइन मिरर के लिए. समझा बेटा? चलो नोट कर लो. चलो इसमें यहीं तक रखते हैं, कुछ और बातें भी होती हैं जिसको हम लोग चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, है ना. इस टॉपिक पे मैं वापस से आऊंगा चैप्टर के एंड में, लास्ट क्लास में, है ना. नाउ द मेन फोकस विल बी टू डू दिस वन. कम ऑन, डू इट बेटा. हो गया? बताइए, इज इट डन? यस सर. चलिए सभी को इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए. कम ऑन डू इट. हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर. चलो ठीक है. सो आई एम गोइंग टू रब इट. आओ अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर में जानते हैं, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा इसके बारे में जानेंगे, अभी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बस. स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में बेटा आपके दो तरह के मिरर हो जाते हैं. वन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. Mirror and other is called convex mirror. इसमें भी हम लोग सारा कुछ देखेंगे, motion of image, motion of object, field of view, है ना. इस तरह की field of view पे बहुत ज्यादा नहीं करना है, है ना. field of view में इसमें question नहीं आता है कुछ उस तरह का. question तो आता है आपका उसी पे geometry पे based, है ना. field of view पे कोई question वैसा कुछ खास नहीं, एक आध question में करा दूंगा, है ना. exam वगैरह में नहीं पूछेगा, है ना. बाकी तो मिरर फॉर्मूला वगैरह पे पूछेगा तो वो सब देखेंगे. ओके, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो तरह के मिरर हो गए. तो कॉनकेव मिरर आपका किस तरह का हो जाएगा? कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी द कॉनकेव सरफेस. सो दिस विल बी द कॉनकेव सरफेस. हाँ, तो ऐसे बनेगा ये. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, दैट विल बी कॉनकेव सरफेस. So this is your concave mirror, है ना. So this is your concave mirror. So reflecting surface is concave surface. A polished surface is convex surface. Reflecting surface is concave. Okay? और कॉन्वेक्स में आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से. सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. पॉलिश्ड वाला कॉन्केव हो जाएगा, अनपॉलिश्ड. हाँ, तो ये जो है आपका इस केस में आप देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर. सो यू विल हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज, convex surface. Okay, so reflecting surface is convex surface, है ना. polished will be the concave one. तो ये हो गया. both these mirrors are the basically part of some sphere, है ना. वो चीज है, spherical surface होते हैं उसका part होता है. चलिए convex concave mirror जो है, this is also called converging mirror, also known as converging
मिरर, ये नाम याद रखिएगा, ओके, बिकॉज़ इट कन्वर्जेस द रे ऑफ लाइट एंड दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। चलो इसको नोट कर लो, कम ऑन डू इट बेटा। सो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, नोटेड, राइट में। ये क्यों कहलाता है, एज इट कन्वर्जेज अ लाइट बीम दैट कन्वर्जेज अ पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम that is reflected by it aur ye kyon kehlayega, as it diverges the parallel beam of light that is reflected by it. Reflected by it. Okay, so that is what we call converging mirror and diverging mirror. So reason is clear. कैसे होता है वो सब हम लोग discuss करेंगे. Okay. Come on. So first of all, we need to understand the various terms that is related to converging and diverging mirror. Come on, beta, do it. हो गया बेटे, यस सर हो गया। चलिए देखिए, some important terms, important terms. So what are the important terms we have to know? तो सबसे पहले बेटा हम लोग जानेंगे center of curvature.
द सेंटर ऑफ द स्फीयर हूज पार्ट इज द मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट इज द मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बेटा आपका पोल ऑफ द मिरर, द मिरर पोल ऑफ मिरर क्या होगा, जैसे देखो ये पॉइंट है ना, मिरर का ये पॉइंट है ना और मिरर का ये पॉइंट है ना बी, तो अगर ये दोनों पॉइंट है बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है जो हाफ पे है ना, तो वो पॉइंट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, जैसे है ना इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, कॉर्ड बन जाएगा, दिस विल बी कॉर्ड और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा ना, दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर का ये सेंटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये भी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ऐसे मैं तरीका बता रहा हूँ, ये सब आपको करना नहीं है एग्जाम में, निकालने का तरीका बता रहा हूँ है ना। तो ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट आया, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो जहां पे मिरर को कट करेगा वो मिडिल पॉइंट आ जाएगा। मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा समझे? यस सर। मिडिल पॉइंट निकालने का तरीका समझे है ना, यानी कि जो ये है आपने ए और बी को ज्वाइन कर दिया और सेंटर ऑफ मिरर पता है आपको, सेंटर पता है तो सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ए बी पे और इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, तो दैट पॉइंट इज पी। सो आप क्या कहेंगे इसको, क्या कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, इसको कहते हैं अपर्चर, ओवरऑल जो मिरर का पार्ट है उसको, द मिड पॉइंट हाँ ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर है ना। अब देखो द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। चलो दो तीन टर्म और लिख लेते हैं, इसको नोट कर लो यहां तक पहले, कम ऑन नोट इट डाउन। हो गया बेटा नोट, बताइए। हाँ सर। चलिए ठीक है, कर लो नीचे वाला रब कर दूं। डायग्राम बना लेना सर। हाँ बोलो सर, अपर्चर क्या हुआ सर, ए बी ए पी बी हुआ हम लोग का। हाँ ए पी बी अपर्चर हुआ है ना। अच्छा। जो मिरर का जो ओवरऑल जो मैक्की अपर्चर उसको कहते हैं, लेंस हो मिरर हो हर जगह वो होता है, जो भी ओवरऑल आपका रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है उसको कहते हैं। थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपका, वो जो जिस पे सेंटर कर्वेचर पोल और फोकस जो लाइक कर रहा है उसको, द लाइन पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मिरर, सिर्फ पोल से नहीं, पोल से बहुत सारे लाइन जा सकते हैं,
ग्रैंड सेंटर ऑफ हाँ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इट्स कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस ओके देन फोर्थ वन रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बारे में जानते हैं व्हाट डू वी मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर or you can say the radius of the sphere whose part is the mirror whose part is the spherical mirror it's called its radius of curvature chalo isko karo come on beta do it ab jo hai pole kya hota hai to ye sab hum log agle class mein janenge pole janne se pehle aapko ek term jana hoga paraxial ray पेरेक्सियल रे क्या होता है तभी आप पोल डिफाइन कर पाएंगे है ना सो वी विल नो अबाउट दैट पेरेक्सियल रे सो पेरेक्सियल पोल आएगा आपका है ना सो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास क्योंकि आप जितना भी पढ़ेंगे जितने फॉर्मूले यहाँ डिराइव करेंगे है ना जनरल फॉर्मूले को छोड़कर लॉ को छोड़कर के जितने भी फॉर्मूले आप डिराइव करेंगे वो सारे फॉर्मूले आपको पेरेक्सियल रे के लिए लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर लॉ के अलावा क्योंकि लॉ तभी है जब वो हर जगह अप्लाई होता है ना तो लॉ के अलावा जो भी चीज है दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर पेरेक्सियल रेज ओनली ये जानना जरूरी है कि व्हाट डू वी मीन बाय पेरेक्सियल रेज एंड वी विल स्टडी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास है ना तो नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक पेरेक्सियल रे होगा फिर आपका मिरर फॉर्मूला होगा फोकस होगा है ना और पेरेक्सियल फोकस मार्जिनल फोकस तो पेरेक्सियल रे क्या होता है मार्जिनल रे क्या होता है तो ये सारी बातें हम लोग जानेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू प्रॉब्लम्स ऑन दिस स्फेरिकल मिरर्स आल्सो सो दो क्लास लगेगा इसमें तो नेक्स्ट वीक हमारा स्फेरिकल मिरर खत्म होगा लेंस आई थिंक रिफ्रैक्शन शुरू भी हो जाएगा है ना चलिए इसको कर लीजिए कंप्लीट इट बेटा Okay, you can leave after completing this. So here we are ending the today's class.